और दिल्ली से बड़ी खबर है जहां मंगोलपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर चला है, मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने हमला किया है। पुलिस ने फिलहाल कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। मस्जिद के बाहर भारी संख्या में अर्धसैनिक बल तैनात है। वहां से कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। मस्जिद के बाहर भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने एक्शन लिया है। एमसीडी का बुलडोजर चला है, मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया है और वहां पर लोगों ने इसका विरोध भी जाहिर किया है। कई लोगों को फिलहाल के लिए हिरासत में लिया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें भी, मंगोलपुरी इलाके की तस्वीरें हैं जहाँ मस्जिद के बाहर भारी संख्या में फिलहाल पुलिस बल तैनात है। वहां पर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया है। एमसीडी का बुलडोजर चलते ही वहां के लोगों ने अपना रोष जाहिर किया है, गुस्सा जाहिर किया है। हालात वहां पर अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है वहां पर और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं जिनको फिलहाल के लिए हिरासत में ले लिया गया है। आप देख रहे हैं वहां तस्वीरें जहां प्रशासन की तरफ से लोगों को समझाइश की कोशिश भी हो रही है, लेकिन वहां पर तनाव बढ़ता चला गया। मस्जिद के बाहर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और दिल्ली के मंगोलपुरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अवैध अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर चला है। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ा गया है, जिसके बाद वहां के लोगों में इसको लेकर नाराजगी सामने आई और स्थिति तनावपूर्ण बन गई। दिल्ली के मंगोलपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन से लोग नाराज दिखाई दिए। अवैध अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर चला है, मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया है। आदित्य कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? पुलिस की तरफ से समझाइश की कोशिश हो रही है, लेकिन स्थिति क्या बनी हुई है? कोई भीड़ वहां पे इकट्ठा नहीं हो पाया है। पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी वहां पे दिखाई थी और जो लोगों को समझा बुझा करके वापस भेजा था। अभी कुछ लोगों से मीटिंग भी पुलिस जो है कर रही है, ताकि क्योंकि एक जो दोनों पक्ष के लोग हैं, जो दुकान वाले हैं या जो मुस्लिम जो नेता हैं वहां के, मस्जिद के इमाम हैं या जो अन्य संगठन के लोग हैं, उन सबसे मीटिंग की जा रही है ताकि जो लोगों को समझाया बुझाया जा सके, क्योंकि ये एमसीडी की कार्यवाही है और जो अवैध है इस पे ही कार्यवाही हो रही है, ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। घटना आज सुबह शुरू हुई थी जब एमसीडी वहां पे कुछ अतिक्रमण जो दुकानें थी या कुछ चीजें जगह पे जो अवैध तरीके से इमारतें बना दी गई थी वहां पे कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। उसमें एक मस्जिद का कुछ हिस्सा भी था जो अतिक्रमण था, उसी को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। कुछ महिलाएं, बच्चे और जो लोग थे वहाँ के स्थानीय लोग, वो आ करके मौके पे जो एमसीडी के लोग थे उनको डिस्टर्ब करने लगे थे और उनपे यहाँ तक कि बुलडोजर पर चढ़ के उनको बदमाशी की गई, उनके साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ बदतमीजी की गई, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी जो कुछ थे उनके साथ बदतमीजी की गई। तो उसके बाद जो है, क्योंकि पहले शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उस वजह से कुछ कम सुरक्षा बल जो वहाँ पर पहुंचे, सिर्फ थाना लेवल के जो लोग थे वहाँ पर वो पहुंचे थे, लेकिन जैसे घटना ने जो विकराल रूप लेना शुरू कर दिया, लोग इकट्ठा होने लगे और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिस तरीके से बुलडोजर पर लोग चढ़ करके लोग जो नारेबाजी करने लगे, तो उसके बाद जो है जो स्थानीय पुलिस मंगोलपुरी के क्षेत्र के हैं उन्होंने समझाया बुझा करके लोगों को शांत कराया। हालांकि तब तक कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया था। उसके बाद जो है लोगों को समझाया बुझाया गया, सबको वापस वहां पर किया गया, लेकिन अभी जो कार्यवाही है वहां पर रुकी हुई है। जो पुलिस से जुड़े सूत्र हैं उनका कहना है कि अभी जो है, क्योंकि ये जहाँ अतिक्रमण हटाना है वो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और जो अतिक्रमण है वो बहुत ही मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए और बड़े गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी या बड़े जो ड्रिल मशीन है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सब लेकर के आएंगे, दोबारा से उस पर कार्यवाही करेंगे। आपको एक बात और यहाँ जरूरी, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पहले भी इस तरीके के जो मामले हैं, जो झड़प है उससे उसमें मशहूर रहा है, बदनाम रहा है, तो इस तक भी जैसे पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो पूरी तरीके से जो सतर्कता बरतना चाह रहा है कि किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी तरह के दंगेबाजी या कुछ ना हो जाए। 3 साल 4 साल पहले जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहां पर रिंकू शर्मा एक हत्याकांड हुआ था, बहुत ही मशहूर रहा था, तो इस सब की वजह से जो है वहां पे किसी तरीके की पुलिस, दिल्ली पुलिस कोई लापरवाही बरतना नहीं चाह रही है, किसी तरह के किसी मामले में कोई इस तरह की अनहोनी ना हो जाए, इस वजह से पूरी कोशिश में है। इसलिए अभी तत्काल तस्वीरें आदित्य जो सामने आई है उसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। अब जिस तरीके से बता रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह की जो
घटनाएं हैं उनका विरोध किया गया है, तो इलाका पहले से थोड़ा तनावपूर्ण है वहां पर, तो क्या फेलियर रहा फिर प्रशासन का? कई लोगों को चोटें आई हैं वहां पर, हालात क्यों नहीं दुरुस्त हो पाए? जी, क्या पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंचा था प्रशासनिक अमला? जी 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 बिल्कुल यही हुआ था कि लोगों ने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। जो पुलिस प्रशासन थे वहां पे जब पहुंचे तो बहुत ही कम सुरक्षा बल के साथ पहुंचे थे, क्योंकि मस्जिद का हिस्सा अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि पहले से उनको मस्जिद के बारे में जानकारी थी, क्योंकि जो पुलिस के जवान है उनका कहना है कि मस्जिद की जानकारी के बारे में कुछ पुष्टि नहीं थी, किसकी चीजों को अतिक्रमण करना है, एनसीडी की तरफ से सही से जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन अभी वहां पहुंचने के बाद जब ये देखा कि लोगों ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया, तो पुलिस सुरक्षा बल जो वो भी बहुत कम थे, जितनी एनसीडी की तरफ से शायद ये मैसेज नहीं कन्वे हो पाया कि कितनी चीजें ढहानी है या क्या क्या तोड़ना है। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस वहां पहुंची तो वहां पे बहुत कम सुरक्षा बल थे और लोगों की भीड़ जो इकट्ठा होने लगी उसकी कोई तैयारी नहीं थी, लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दी, इसकी कोई अंदाजा दिल्ली पुलिस नहीं लगा पाया था कि जो इस तरीके की जमावड़ा लग सकता है या जो लोग हैं वो पत्थरबाजी कर सकते हैं। तो ये जो मामला है ये पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने कम आंका, पूरी घटना जो घटनाक्रम था उसको कम आंकने का मामला समझ में आ रहा है कि जो स्थिति थी उसको नियंत्रण कर लिया जाएगा, उन्होंने सोचा होगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद देखा कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी सड़कों पर आ गए या जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर आ गए और जो मस्जिद का विरोध तोड़ने का जो विरोध है वो किया जाने लगा। हालांकि जैसे ही घटना बड़ी होने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि आधे घंटे तक ये पूरा मामला चला जिसमें समझाया बुझाया गया लोगों को, और ये जो दिल्ली पुलिस के जवान हुआ नहीं जो सुरक्षा बल उनको भी बुलाना शुरू कर, अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है उनको बुलाया जाने लगा। हमने वीडियो तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी और लोगों को बहुत ही समझा बुझा करके वापस तो भेज दिया गया, लेकिन ये दोनों तरफ को बताया गया कि जो सुरक्षा बल है जो उन्होंने इस बात की पुष्टि की, उन्होंने जो विरोध करने वाले लोग उनको कहा कि हम कार्रवाई अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमलावर हुए लोग इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने सही से तैयारी नहीं की थी वहां पे जाने के लिए। जिस तरह के संवेदनशील क्षेत्र वो है पूरा का पूरा, उसकी जानकारी होते हुए भी उस तरीके से वहां पे कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही है वो यहां पे दिखाई देती है। जी फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई वहां पर रोक दी गई है आदित्य, या फिर काफी काम के बाद उसको रोका गया है? किस तरह की जानकारी, कितना काम हो पाया वहां पे अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने का? जी, शुरुआती दौर में जब वहां पे दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे थे तोड़ने के लिए एमसीडी के जो ऑफिसर्स थे, एमसीडी के जो कर्मचारी थे उनके साथ में, शुरुआती कुछ तो ढहा गया था, जो भी अतिरिक्त जो निर्माण बनाए गए थे या जो भी अतिक्रमण थे उनको हटाया गया था। लेकिन जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, मस्जिद का कुछ हिस्सा जो है वो अतिक्रमण बताया जा रहा है, एमसीडी की तरफ से शायद ये जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं दी गई थी, तो इस वजह से वहां पे पहुंच तो गए लेकिन उन्होंने जब तोड़ना शुरू किया तो स्थानीय लोग इस बात का विरोध करने लगे। विरोध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने समझदारी दिखाई और तुरंत काम को रोका वहां पे, जो अतिक्रमण उनको तोड़ना रोका और तोड़ करके लोगों से संवाद करना शुरू किया, वहां जो धर्मगुरु हैं या जो लोग हैं उनसे बात करना शुरू किया। धर्मगुरुओं ने भी दिल्ली पुलिस को ये बात सजेशन में बताई थी कि अभी ये काम को आप रुकवा दीजिए, इस काम को बाद में फिर जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी या वार्तालाप करने के बाद जो है वो आगे की जाएगी। तो ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है, अभी काम जो है नहीं वहां पे किस तरह किया जा रहा है, रोक दिया गया है, लोगों को समझाने में पुलिस लगी हुई है, वहां पर पुलिस छावनी तब्दील कर दिया गया, दिल्ली पुलिस के जवान है वो हर तरीके से सुरक्षा जो इंतजाम उसकी पुष्टि कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए।